मैं कुछ काम कर रही हूँ। जो औरत ना बोल पाए वो कभी खुश नहीं रह सकती। तो इसी बात पर आप मुझे चोको चिप्स खिला दीजिए। तुम्हें चोको चिप्स खिलाने से मैं खुश हो जाऊंगी? जब बच्चा खुश होता है तो माँ अपने आप खुश हो ही जाती है ना? दिलाएंगी ना? हाँ सोचूंगी। अब मुझे परेशान करना बंद करो। लगता है आज पूरा दिन बोरिंग होने वाला है और तुम्हारी भूख तो मिटती नहीं। सोच रही हूँ अब मैं क्या करूँ। कहाँ घूमने चली? घूमने के अलावा कोई काम नहीं। सोचती हूँ पहले पुराने कपड़े बाहर निकाल लूँ। कितने सारे कपड़े हैं। कपड़ों का पहाड़ है पहाड़। हम इस पहाड़ पे चढ़ कर रहेंगे। नीचे उतरो। अच्छे कपड़े निकाल कर पुराने फेंक देंगे। अच्छा फेंकेंगे। शिनचैन तुमने फिर अपनी बकवास शुरू कर दी। ये टॉप काफी लंबा है, इसे थोड़ा छाटना पड़ेगा। ये अच्छा है। उछलना बंद करो। मेरे साथ ये ड्रेस पहन के झूल गई थी। ये वाला पर ये वाला मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया। देखिए ना, इसमें एक्शन कामिन की तस्वीर है। मेरे कपड़े छोटे हैं, उन्हें फेंकने पर ज्यादा जगह नहीं बन पाएगी। अगर कुछ फेंक नहीं है तो इसे फेंक देंगे। मैं इसे नहीं फेंक सकती। जब मैं काम करती थी तब अपनी पहली सैलरी से ये कोट खरीदा था। इसी की वजह से मैंने टोक्यो में कड़ी ठंड का सामना किया था। मुझे पता था। अब कुछ भी नहीं फेंकने वाली है। ये पैंट मैंने इसे बहुत पहले खरीदी थी, अब ये वापस फैशन में आ गई है। ये बहुत अच्छी है, अब इसे फिर से इस्तेमाल कर सकती हूँ। क्या तो ये फिट आएगी? हाँ शायद। हो गया। अब तो इसे आपको फेंक नहीं पड़ेगा। ऐसे यादगार कपड़ों को याद के तौर पर संभाल कर रखना चाहिए। पर अगर उन कपड़ों को संभालना मुश्किल है और उसकी याद आपको सता रही हो तो उसे शुक्रिया कर अलविदा कह देना चाहिए। क्या ये एक फैंसी ड्रेस है? जब मैं स्कूल में थी तो ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद थी। मैंने इसे स्कूल फैंसी ड्रेस में पहना था। मुझे इसमें कुछ खास बात नजर नहीं आई। अब चुप रहो शिनचैन, ये मेरी बचपन की यादें हैं। अभी भी कितनी प्यारी है। अलविदा मेरे बचपन। पर अलविदा कहने से पहले मुझे इसे एक बार पहनना है। ऐसा मत कीजिए। क्यों, क्या हुआ? ये तो आपकी बचपन की ड्रेस है। तो क्या, मैं अभी इसे पहन सकती हूँ? सर आपका स्वागत है। म्याँ, 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 म्याँ। अब बिल्ली की आवाज़ क्यों निकल रही थी माँ? क्योंकि मैंने कैप सूट पहना है। चलिए मैं आपकी एक फोटो ले लेता हूँ। नहीं, मेरी फोटो मत निकालना। क्या आपको ये ड्रेस पसंद आई? आप इसे रखेंगी? ये तो मेरी बचपन की याद है। हिमावरी, क्या तुम उठ गई हो? ये भाग क्यों रही है? शायद वो डर गई। मिसेस नोहारा। म्याऊ। जाओ और उन्हें कहो कि थोड़ी देर इंतजार करें। हाँ ठीक है। शिनचैन, तुम्हारी मॉम कहाँ है? आंटी, मामा भी बिजी हैं। म्याऊ, वो भी आ जाएंगी। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। ये क्या, मिसेस नोहारा ये क्या कर रही है? नहीं कुछ नहीं। क्या तुम अपनी फोटो मेरे ब्लॉग पे डलवाना चाहोगी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है। क्या नहीं करना? अच्छा ये लो नोटिस बोर्ड। थैंक यू। बस बहुत हुआ, मैं इसे डिलीट करती हूँ। अब फोटो तो डिलीट कर देंगी, पर हम इन कपड़ों का क्या करेंगी मैम? मैं भी वही सोच रही हूँ, पर इन्हें फेंकने का मन नहीं कर रहा। हिरोशी, हेलो, बोलो क्या बात है? मुझे यहाँ पर गोल्फ की दो ड्रेसेस 10,000 रुपए की हैं, क्या मैं ले लूँ इन्हें? क्या? मैं कपड़े कम करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम्हें और कपड़े खरीदने हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी? पुराने और गंदे हो चुके कपड़े फेंक देने चाहिए। सही कहा, मैं वही करूँगी। अब पुराने कपड़े ढूंढने पड़ेंगे। ये गंदा हो गया है, ये पुराना हो गया है, ये भी, ये भी, इसे भी। ये तो
ये मेरी सबसे प्यारी ट्रैक पैंट है, पर इसका रंग खराब हो गया है। थोड़ा सा ही सही, पर इसे फेंकना होगा। लो अब फेंक दिया। अब बहादुर है। लो अब हो गया काम पूरा। अब मैं लिमिटेड कपड़ों में काम चला सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैम, क्या आपने नोटिस बोर्ड पढ़ा है? हाँ, मैं तो पढ़ना भूल ही गई। नेबरहुड एसोसिएशन से नोटिस आया है, हमें मोहल्ले की सफाई करनी है, तो ऐसे कपड़े पहन कर आइए जो गंदे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मेरे पुराने कपड़े। कुछ दिन बाद मुझे अपनी वो जर्सी फेंकनी नहीं चाहिए थी। आज हम करेंगे पेपर सुमो रेसलिंग। ये क्या है? देखिए डैड, आखिर एक्शन कामिन इतना मोटा कैसे हो गया? बेटा, ये पेपर सुमो है। क्या पेपर सुमो? पेपर नहीं, पेपर। जरा रुको और देखो, ये देखो। बेटा, ये है सुमो किंग। सुमो किंग, तुम हार जाओगे। एक्शन किंग। अरे, इसके साथ ऐसे मत खेलो, मैं इनके लिए रिंग बना देता हूँ। जरा रुको, अब इसे उंगली से ऐसे टैप करना है। ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे। आ जाओ, तैयार होना। हो जाओ शुरू, टैप करो। अरे, मैं तो बस प्रैक्टिस कर रहा था अभी, असली मैच तो होगा अब। तैयार होना बेटा, चलो फिर शुरू करते हैं। अरे बेटा, मैं तो ठीक से कर ही नहीं रहा था अभी, अब आ जाओ। चलो एक बार और करते हैं। क्या आपको खेलना आ गया? मैं सिखा दूं? कोई जरूरत नहीं है, आ जाओ। चलो आगे बढ़ो, मुकाबला करो। मुझसे लड़ना आसान नहीं है बिल्कुल। आगे बढ़ते रहो। मैं जीतूंगा इस बार। आपको पता है डैड, एक्शन कामिन को हराना आसान नहीं है। मैंने तुम्हें बच्चा समझकर जीतने दिया इस बार। कहाँ जा रही है? अभी आता हूँ। कहाँ रख दिया था? यहाँ नहीं, इसमें होगा शायद। वाह, मिल गया। ये कौन है? इसका नाम है हिरोनो यामा, ये है ग्रैंड चैंपियन। मैंने इसे तब बनाया था जब मैं तुम्हारी उम्र का था। मैंने अपने दोस्तों से मुकाबला किया और 50 बार जीता था ये, इसीलिए बन गया ग्रैंड चैंपियन। इसका चेहरा आपके जैसा है, क्या ये ताकतवर होगा? आ जाओ, देख लो मुकाबला करके। इस तरफ है एक्शन कामिन, इस तरफ है हिरोनो यामा। तुम अगर तैयार हो तो फिर आ जाओ, शुरू करते हैं। चलो चलो आगे बढ़ो। देखा, मैं जीत गया। कहा था ना, यह ग्रैंड चैंपियन। डैड, आप एक 5 साल के बच्चे से जीत कर खुश हो रही है? फिर से खेलेंगे। अरे आ जाओ फिर से। एक और बार। आ जाओ। अब देखी तुमने हिरोनो यामा की असली ताकत। डैड, आपको एक्शन कामिन को हराना नहीं चाहिए। अगर तुम जीतना ही चाहते हो तो तुम्हें फिर हिरोनो यामा जैसा ताकतवर और ग्रैंड चैंपियन बनना चाहिए, वरना फिर हार मान जाओ। मैं हार नहीं मानूंगा। सुनिए मां, क्या आपके पास पेपर है? अगर तुम्हें ड्राइंग करनी है तो एडवर्टाइजमेंट के बैकसाइड पर कर लो। अरे नहीं, मुझे इससे मोटा पेपर चाहिए। डैड, मैं आ गए। आप ये क्या कर रहे हैं? बेटा, रिंग के ऊपर का ये अरीना सेट बनाया था मैंने, असली जैसा लग रहा है ना? मैंने भी कुछ बनाया है। हाँ? कौन सा रेसलर बनाया है तुमने? ये आपके पेपर सुमो से ताकतवर है, ये देखिए। मिच्छी? अरे बेटा, तुमने मॉम की फोटो काटी है, वो नाराज हो जाएगी तुमसे। आप तैयार है डैड? शुरू करते हैं। ठीक है फिर, मैं नहीं डरता हूँ बिल्कुल। आ जाओ, देख लूंगा। आगे बढ़ो। नहीं हो तुम भी, पर मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। देखो, नहीं, मेरे चैंपियन हिरोनो यामा को मैं जीत गई। तुमने
जरूर फूंक मार कर गिराया है शिनचैन। मैम ताकतवर है। ये नहीं माना जाएगा, दोबारा से मैच होगा। इस बार ईमानदारी से लड़ना है तुम्हें, समझ गए? आ जाओ। आगे बढ़ो, तुम्हें जीतना ही होगा। आगे बढ़ते रहो। तुम मेरे फोटो से क्यों खेल रहे हो? ये देखो, ये एक दुबला पतला और सुंदर रेसलर मिसानो हाना है। ऐसा लग रहा है सुमो रेसलर डाइटिंग पर है। मैम गलती तुम्हारी है, तुमने बिना पूछे मेरी फोटो क्यों काटी? ये रेसलर तो इतना पतला हो गया कि लग रहा जैसे मुझे देखकर डर से ही गिर जाएगा। कोई बात नहीं, आओ हमला करो। इतने पतले रेसलर से मैं नहीं हार सकता। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या आप लोग मुकाबले के लिए तैयार हैं? क्या तुम रेफरी बन रहे हो? तो अब मुकाबला शुरू किया जाए। उठ से लड़ोगे तो बुरी तरह हार जाओगे। हारना नहीं है हिरोनोयामा। पूरी कोशिश करो मिसानो हाना। तो जीत आपकी हुई। कमाल है, मैंने फेपुर सुमो को पहली बार इस तरह गिरते हुए देखा है अपनी जिंदगी में। आखिर हरा ही दिया ना। मैं भला मिच्ची के फेपुर सुमो से कैसे हार गया? मैं ये हार नहीं सह सकता और ज्यादा। क्या आपको भी पतला होना है? बेकार की बातें मत करो शिनचैन। मिच्ची, क्या हुआ? खाना खाना है? नहीं, पहले एक और मैच होगा। इस वक्त मैं तुमसे हारा हुआ हूँ और ऐसे खाना नहीं खा सकता। क्या? ये है नया रूप, पहले से भी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर हिरोनोयामा का। तुम दोनों एक साथ मुझ पर अटैक कर सकते हो, देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है, यही करेंगे। मैम अब तो कमाल की खिलाड़ी है। शिनचैन को तुमने हरा दिया मिच्ची, अब होगा बराबरी का मैच। इस बार मुझे गिराना आसान नहीं। ठीक है, शुरू करो। पिछली बार मुझे थोड़ा गिरने की परेशानी थी, लेकिन इस बार मेरा बैलेंस बहुत अच्छा है मिच्ची। बच गई। कम नहीं हो तुम भी मिच्ची। तुम नहीं जीत सकते। नहीं जीतूंगा। मां मुझे बहुत भूख लग रही है। रुक जाओ, अभी मैच बहुत बढ़िया चल रहा है। मां तो जीतने के लिए उत्सुक है। हमारी बेटा चुप हो जाओ, मैं जीत नहीं पाऊंगा ये मैच। तो मुकाबले में जीती है हिमा बारी। हिमा बारी से तो मैं जीत ही नहीं सकती। एक और मैच होना चाहिए। ठीक है, पहले खाना खा लो। मैं आता हूँ मैम। क्या कर रही हो मिच्ची? एक और मैच तो होना ही चाहिए ना।